हेलो दोस्तों, आई एम गौरव, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग प्लानर। आज मैं फिर आपके बीच में एक नए वीडियो टॉपिक के साथ हूँ, और आज मेरे वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मेरा वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी फॉर सेल्स। आइए जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे आपके सेल्स अप्रोच के ऊपर वर्कआउट करती है। तो मैं कुछ छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सेब का। सपोज कि एक लाल सेब है, तो जैसे मैंने बोला आपके माइंड में एक रेड सेब की इमेज आ गई। अगर मैं बोलता हूँ ग्रीन सेब, तो एक ग्रीन सेब की इमेज जो आपके माइंड में आ गई। अगर मैं बोलता हूँ ट्रांसपेरेंट सेब, तो कोई भी इमेज आपके माइंड में नहीं है, आप एक ब्लैंक स्क्रीन की तरह आपके सामने एक इमेज आ गई है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ थोड़ा सा एक अलर्ट मोड की। अगर आपके सामने ट्रक आ रहा है और आपको ध्यान नहीं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो क्या होता है? होता यह है कि आप एकदम अलर्ट मोड में आते हैं और हट जाते हैं वहां से। यानी कि कहीं ना कहीं अलर्ट मोड को भी हमारा माइंड जो है वर्कआउट कर रहा है। इसी तरीके से आपकी बॉन्डिंग जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, कुछ के साथ बहुत अच्छी होती है और कुछ के साथ बहुत खराब होती है। रीजन क्या है कि आपका माइंड जो है उसको पता है कि कौन आदमी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, कौन आदमी मेरे को इग्नोर कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड हमारा कलर्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर और बिहेवियर्स के ऊपर, इवन ऑडियो के ऊपर भी वर्कआउट करता है। कुछ लोगों की, कुछ स्पीकर्स की आपको आवाज बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं मेरी कैसी लग रही है, लेकिन कुछ स्पीकर्स की आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऑडियो जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको पता है कि आपकी मदर की आवाज कैसी है, ठीक है, आपको पता है कि आपके फादर की आवाज कैसी है। अगर आपके गेट पे कोई नॉक करता है, तो इवन ये भी आपको पता रहता है कि किसने नॉक किया है। यानी कि कहीं ना कहीं ऑडियोज भी हमारे माइंड में वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मेमोरी ब्लॉक्स में जाके सेव हो रही है। यानी कि हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे कमरे हैं जहां पर ये सारी चीज आके सेव हो रही है। तो कभी आपने दोस्तों सोचा है कि हम इस अप्रोच को अपनी सेल्स अप्रोच में भी लगा सकते हैं क्या? ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज हम अपने सेल्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है, कहीं ना कहीं उसने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज अपनी सेल्स अप्रोच में कब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके सिर में थोड़ा सा दर्द हुआ होगा सोचने के लिए कि हम अपनी सेल्स अप्रोच को ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए कि आप क्या ह्यूमन साइकोलॉजी अपनी सेल्स में यूज कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, इन टर्म्स ऑफ ऑडियोज, इन टर्म्स ऑफ वीडियोज, इन टर्म्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे जो अपने कस्टमर्स को अपने बिहेवियर से रोक सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे अपने कस्टमर्स के बिहेवियर, ऑडियोज, वीडियोज में कैसे हम जो है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।